नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने पूरे जिंदगी का मतलब कि जब से मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें एक पर्सन को 1 करोड़ प्लस क्रेडिट कार्ड की लिमिट टोटल मिला के मिली, कुछ लोन भी एक्टिवेट है। चलिए आपको बताने वाले और लाइव दिखाने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी उम्र मात्र 24 साल है और 24 साल की उम्र में इन्होंने जो है 1 करोड़ प्लस जो है समथिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट, कुछ लोन भी साथ में इनके ऊपर है। मतलब कि इनकी सारा डिटेल्स को मैंने चेक किया, वेरीफाइड किया, रियल लाइफ में 1 करोड़ प्लस के समथिंग इनका पूरा सिस्टम, पूरा ब्यौरा, लिमिट सब कुछ एकदम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना हाई है लिमिट मात्र 24 साल की उम्र में, क्या है पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, चलिए बताते हैं। मित्रों यहाँ पे देखो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में मैंने आपको अभी पिछले मतलब कि 1 से 2 दिन पहले आपको वीडियो बना कर दिया था कि हमारे एक व्यूवर्स है जिनकी लिमिट 12 लाख 13 लाख 10 लाख 9 लाख मतलब कि इससे कम की लिमिट, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। नॉर्मल पर्सन, कोई बिजनेस मैन नहीं, वही नॉर्मल सिविल स्कोर जो रहता है, और उनको हर बैंक हाई हाई लिमिट देता है। अब यहाँ पर ये भी वीडियो देखे और मेरे वीडियो को ये 3-4 साल से देख रहे हैं और इन्होंने इनको मेल किया, अपनी सारी जानकारी को शेयर किया कि मेरी लिमिट इतनी रियल लाइफ में है। मैं तो शॉक पड़ गया कि इतना कैसे हो सकता है कि एक पर्सन का लिमिट 1 करोड़ प्लस समथिंग कुछ लोन एक्टिवेट, इतना कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। मित्रों मैं बता दूं, इतनी बड़ी लिमिट तो एक प्रकार से आपको, आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि बैंक उन्हीं लोग को टारगेट करता है। मतलब कि अगर 1-2 बैंकों ने या 2-3 बैंकों ने अगर हाई लिमिट दे दिया तो अदर अदर बैंकों जो है इनको हाई लिमिट देना चालू करती है। यहाँ पे इनको इतनी लिमिट मिलने का रीजन जान लो दोस्तों, इनकी जो आउटस्टैंडिंग है, यूटिलाइजेशन है, ना के बराबर है। दोस्तों आज के टाइम में अगर आपको एक लिमिट मिल जाएगा 4 लाख रुपये का, तो आप क्या करोगे, चलो यार 4 लाख बैंक का पैसा है, इस पैसे को निकालो, कोई बड़ा काम कर लो, बड़ा काम करके EMI में कन्वर्ट कर लो। बट यहाँ पे ऐसा जो काम करते हैं वो एक बार उस अमाउंट को तो ले लेते हैं, दोबारा फिर क्या होता है कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग बढ़ती है, फिर अदर बैंक के वाले हाई लिमिट जल्दी नहीं देते हैं। तो इनको जब लिमिट मिलना चालू हुआ तो इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, मतलब कि ये लोग जो उसको हिसाब से इस्तेमाल किए और जरूरत पड़ने पे खर्च किए और कुछ लोन भी इनके एक्टिवेट थे, बट उन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग को कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया, यूटिलाइजेशन को मेंटेनेंस किया और बैंक ने इनको दे के इतनी हाई लिमिट कर दिया। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, बहुत सारे बैंकों ने इनको 12 से 15 लाख 10 लाख 13 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे कर करके इनकी लिमिट को 1 करोड़ प्लस समथिंग पहुंचा दिया और साथ में इनके ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग लोन भी, मतलब कि कुछ लोन भी लिए थे, तो इतना इनकी टोटल लिमिट बन गई। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो बैंक का जो पैसा होता है, बैंक जो लिमिट आपको तय करती है, वो कहीं ना कहीं बैंक को लगा होगा कि हाँ इस पर्सन को इतनी दे सकते हैं और देना चाहिए। तो आप सोचो कि 24 साल की उम्र में एक कोई बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है, कोई एक प्रोफेशनल आदमी भी नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन है और इतना मिल गया। तो मित्रों ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है, इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, लाइव प्रूफ आपको दिखाए हैं और विदाउट लाइव प्रूफ का मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो एकदम परफेक्ट और रियलिटी मैं आपको शेयर किया हूँ। अब मित्रों आप लोग शेयर करना, क्या रियल लाइफ में इतनी लिमिट कैसे बैंक दे सकता है? आज के टाइम में अगर आप 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का लोन लेने जाओ तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ पेपर हमारे पास रखो तो आपको हम देंगे। अनसिक्योर कैटेगरी में इतने लोन नहीं मिलते हैं, आखिर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड एक पर्सन को इतना कैसे बैंक दे सकता है? काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई एजेंट से सेटिंग होगा, बैंक से सेटिंग होगा, भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बैंक सिस्टम में किसी का सेटिंग नहीं चलता है, बैंक का पैसा है, बैंक डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकता, कोई और डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल इंक्वायरी होती है, कल को पैसा NPA हो जाएगा ना, कोई बीच का दलाली अगर किया होगा ना वो पकड़ा जाएगा, किसने इस फाइल को पास किया है, किसने इसे अप्रूवल दिया है, उसकी जांच होती है। तो मित्रों ये पूरी कहानी है और
मैं क्या बताऊं, मैं खुद शौक में पड़ा हूं। अब तक के मेरे YouTube लाइव का पहला वीडियो है जो इनको इतनी हाई लिमिट रियल लाइफ में मिली है। इन्होंने सिविल का भी सिस्टम सेंड किया है जिसमें हकीकत में शो कर रहा था। अब आप लोग बताओ क्या सच है क्या झूठ है, और इतनी लिमिट क्या आपको मिली है, या आपके पास अगर हाई लिमिट है तो मुझे अपना पूरा स्क्रीनशॉट इन्फॉर्मेशन आप मुझे मेल पे शेयर करना, मैं लोगों को आपकी बातें पहुंचा सकूं, जो पता चले कि हाँ रियल लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना के इतनी हाई लिमिट ले सकते हैं। मतलब ये सारा कमाल प्रोफाइल का सिस्टम का है जो इतनी लिमिट मिल सकती है, और आप भी अपने आप को कंट्रोल कीजिए, आपको इतना लिमिट जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।